अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा विदाउट मेयो विदाउट चीज़। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनने वाली है और आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बहुत जूसी बनता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ कप पानी, नीम गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी जिसके अंदर उंगली डिप करे तो ज़्यादा उंगली जले नहीं। तो बस इसमें 4 टीस्पून मैंने डाल दी है ईस्ट, ईस्ट को हमने एक्टिव करना है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट, 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है चीनी, और अब इसको अच्छे से मिक्स करके ढांप देंगे और 5 मिनट के बाद देखेंगे तो ये देखें ईस्ट एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर ले लेंगे 3 कप मैदा, उसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून डालेंगे चीनी, 1 अंडा और एक्टिव की हुई ईस्ट, और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। पानी हमने यहाँ पे नीम गर्म इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी में ही इसको गूंदना है ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से डो जो है वो फ्लफी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो बस इसी तरह से गूंदते हुए ऑयल की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है और फिर रैपिंग शीट से रैप करके यहाँ एयरटाइट ढक्कन में ढाम के हमने रख देना है। यहाँ पर ले लिया 350 ग्राम चिकन, उसके अंदर ऐड कर दी है सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, हल्दी और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया है, पेपरिका पाउडर ऐड किया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको एक पैन में तैयार करूँगी, थोड़ा सा ऑयल लेके उसको मैं अच्छे से पहले फ्राई करूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढांप के अच्छे से गला लूँगी। जब ये गल जाएगा फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर ये हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा पिज़्ज़ा में यूज़ करने के लिए। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, अब ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ये देखें हमारी डो कितने अच्छे से फूल के तैयार हो गई है, ये देखें बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही अच्छे से डो रेडी हुई है। और यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा ले लिया था सूखा आटा और उसके ऊपर ये देखें डो को रख के अच्छे से इसको सेट करने के बाद 3 पार्ट मैंने कर लिए हैं, इसमें हमारे 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा रेडी हो जाएंगे। तो बस अब ये देखें इसको अच्छे से पेड़ों को बनाने के बाद एक ले लेंगे बेकिंग ट्रे, पिज़्ज़ा ट्रे लेनी है, अच्छे से ऑयल ग्रीस करना है और उसके बाद हाथों की मदद से आटे को हमने एक पिज़्ज़ा की डो की शेप देनी है, अच्छे से हाथों से सेट करना है इसको ट्रे के अंदर। ये देखें अच्छे से ये सेट हो चुकी है। अब हम वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया है, उसको मेल्ट कर लिया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने जो मैदा है वो डाल दिया, उसको अच्छे से भून लिया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 कप दूध, थोड़ा थोड़ा करके बस डालती जाऊँगी, अच्छे से इसको हमने पकाना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साथ में जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। ये देखें सॉल्ट और मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ताज़ा लहसुन अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो शुरू में ही आपको फ्राई करना पड़ेगा। तो बस इसी तरह से अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है विस्क की मदद से ताकि गुठलियाँ नहीं बने, और अच्छे से इसको हमने रेडी कर लेना है। अब पिज़्ज़ा डो के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब इसकी जो किनारे हैं वहाँ पे मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया है, और अब मैंने जो वाइट सॉस रेडी किया था वो इसके अंदर अच्छे से अप्लाई करेंगे, और अब इसके बाद जो चिकन रेडी किया था वो डाल देंगे और थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर। आप कोई सी भी टॉपिंग डाल सकते हैं, जो आपको टॉपिंग पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था थोड़ा सा वाइट सॉस और उसको अच्छे से ये देखें इस तरह से फैला दिया है, इस तरह से ज़रा एक अच्छी सी लुक भी आ जाती है और डेकोरेट करने में मज़ा आता है और प्रेजेंटेशन में भी बहुत मज़ा आता है, इस तरह देखने में बहुत अच्छी लगती है। और एक पतीले को मैंने प्री हीट किया 10 मिनट के लिए, उसके अंदर मैंने इसको ये देखें रख दिया है, और अब 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखें 25 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत फ्लफी बना है, बहुत जूसी और बहुत ही टेस्टी बना है ये पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ विदाउट टेस्ट।
विदाउट एनी, ये देखें सॉस, ये देखें यहाँ पे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी बना है। मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। आप इसका ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये कैसा बना ये रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।